रमजान आ रहा है गुनाहों की बख्शिश के लिए, लेकिन उसमें सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम रोजा नहीं, उसमें रोजा इस चीज का नाम है कि इंसान सिर्फ अल्लाह से अजर चाहे, और जब अल्लाह से अजर चाहेगा तो फिर ये भी नहीं करेगा कि आज तो रोजा बहुत लग रहा है, आज तो बहुत प्यास लग रही है, आज तो बहुत लंबा हो गया है, आज तो बहुत ही थक गई हूँ, इस तरह की बातें भी कर करके दूसरों को बोर नहीं करना और अपना अजर नहीं गंवाना। कोई पूछे भी कैसा जा रहा है तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि अगर रखने की तौफीक हो गई है तो इसी पर अल्हम्दुलिल्लाह। अब जाहिर है कि भूख प्यास अपनी जगह होती है, लेकिन अगर हम उसका तज़किरा करना शुरू कर दें तो वो और ज्यादा बढ़ जाती है, उसमें और इजाफा हो जाता है। तकवा के लिए सबसे पहली चीज क्या हुई कि हर काम हमने इखलास के साथ करना है। तो रमजान में जितनी भी नेकियां करनी है वो सिर्फ अल्लाह की खातिर करनी है, उनका तज़किरा नहीं करना, चर्चा नहीं करना, शोहरत नहीं करनी, लोगों के सामने बड़ा बन के नहीं दिखाना, बल्कि खामोशी के साथ अपनी इबादत करनी है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाना। रोजे में आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी, आपका तरीका क्या था, उसके बारे में जानना जरूरी है कि आप रोजा रखने के बाद किस तरह यानी कि क्या क्या किया करते थे। आप देखिए कि हम जब रोजा रखते हैं तो हम सोचते हैं अच्छा हम सो के रोजा गुजार लेंगे, हम कोई प्रोग्राम देखते रहेंगे, स्क्रीन पे वक्त गुजार देंगे। ये सिर्फ भूख प्यास काटना का मकसद नहीं है, असल मकसद ये है कि इंसान उस भूख प्यास को बर्दाश्त करते हुए अच्छे अच्छे कामों में और ज्यादा आगे बढ़े, हत्ता के दिल में खटक वाली चीजों को भी छोड़ दे। यानी रोजे की हालत में जब आपको महसूस हो कि ये काम कुछ सूट नहीं करता कि रोजे के साथ में सारा वक्त ऐसे शोल में लगी रहूं, मसलन अगर आप स्क्रीन खोलेंगे तो कोई ऐसी चीज नहीं देखेंगे कि जिसको देखना हराम करार दिया गया है, मसलन किसी मर्द या औरत का जो सतर है, छुपाने वाला हिस्सा है, उसको देखना हराम है, ये आंखों का जिना होता है। अब आप देखिए बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी खराबियों में मुब्तला हो जाते हैं, खासतौर पर जब से हाथों में पाम पे आ गया है सेल्फ, और फिर हर वक्त 3G 4G और अब तो 5G भी अवेलेबल हो गया, तो उसमें कुछ एक क्लिक की देर होती है कि आप बुरे से बुरी चीजें भी देख सकते हैं और अच्छी से अच्छी चीजें भी सुन सकते हैं। तो शैतान हम में से हर एक के साथ है, बाजू का हम एक चीज देखते हैं, उसके बाद हम YouTube पे एक चीज देखी, उसके साथ कोई एड देखा, उसको क्लिक कर लिया, वहां से एक और खराब चीज देखी, वहां से कहां से कहां पहुंच गए जी, अपने आप पॉपअप हो जाती है और फिर आप उसके, शैतान जाल डालता है ना, तो वो जाल में फंस जाते हैं आप। और फिर तो लेकिन अल्लाह ताला ने हमारा एक जमीर रखा है हमारे अंदर, हमारे अंदर से एक आवाज उठती है कि ये ठीक नहीं। तकवा इसी आवाज को सुनने का नाम है, इसी फीलिंग को महसूस करने का नाम है, जो अंदर से उठती है कि ये ठीक नहीं कर रही, तो थोड़ा टाइम जाया हो रहा है। बाजू का तो हम कहते नहीं, हम तो अच्छी चीजें देख रहे हैं, अच्छा भाई रमजान जो है वो स्क्रीन पे बैठने का नाम नहीं है। आप अच्छे काम करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान को समझ कर पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा जिक्र कीजिए, हर रोज रोजादार की दिन में दुआएं कबूल होती है, ज्यादा से ज्यादा दुआएं कीजिए। दुआओं की किताबें आपके पास होनी चाहिए कि अगर खुद से बहुत दुआ करना नहीं आता, बाज लोग होते हैं कि उनको समझ नहीं आती क्या मांगे क्या नहीं मांगे, तो कुरानी दुआएं हैं, मसनून दुआएं हैं, उनके उर्दू और इंग्लिश तर्जुमे हैं, अगर अरबी भी नहीं पढ़नी आती तो अंग्रेजी में या उर्दू में उन दुआओं को मांगे। तो रमजान के दिन इबादत के दिन है, टाइम पास करने के दिन नहीं है, रोजा गुजारने के दिन नहीं है। फिर इसी तरह रोजे की हालत में बहुत बातें करने से बचना है, बहुत ज्यादा फोन कॉल, सोशलाइजिंग, इधर उधर जाना, दोस्तों में बैठ के गपशप लगाना। बाज लोग दिन को तो नहीं लेकिन रात को जागने की आदत बना लेते हैं कि लंबे रोजे हैं, चले रात ठंडी है, खासतौर पर जिन मुल्कों में गर्मी बहुत होती है, तो वो फिर दिन को सोते हैं और रातें जागते हैं। रातें जो है रमजान की वो भी बड़ी अहम है, उसमें फिर इबादत की बजाय बाज औकात लोग मिल बैठ जाते हैं, खाने पीने का दौर चल रहा होता है, गपशप का दौर चल रहा होता है, तो इससे भी परहेज करना चाहिए। रमजान में फोकस होना चाहिए इबादत की तरफ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत कलाम से भी मना किया, फायदे की बात की जाए वरना खामोशी इख्तियार की जाए, और खास तौर पर लह बातों से बचा जाए, यानी जो बेमानी बेमकसद बातें होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं, बल्कि रोजा तो लह हर बेफायदा और बेहुदा काम और जिनसी ख्वाहिशात पर मबनी हरकत और कलाम से बचने का नाम है।
لہٰذا اگر کوئی تمہیں گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں تو روزے دار ہوں، یعنی لڑائی نہیں جواباً کرنی یا لڑنی، بلکہ کیا کہنا، میں تو روزے سے ہوں، تو دوسرے کو بھی یاد آ جائے گا اور اس طرح وہ بھی لڑنا جھگڑنا چھوڑ دے گا. پھر فحش گوئی اور بد کلامی، گالی گلوچ، ایسی ڈانٹ ڈپٹ جو انسان کے اخلاق کے منافی ہو، اس سے بھی بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بری باتیں اور جھوٹ نہ چھوڑا، یعنی روزہ رکھ کے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کون بھوکا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہے، اپنے دل کی حفاظت کی ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنایا. کیونکہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ رمضان کی آمد کا ایک مقصد ہے، اللہ نے جو رمضان کے روزے ہم پہ فرض کیے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ سیلف امپروومنٹ، کہ ہمارے اندر تقویٰ آئے اور ہم پہلے سے بہتر انسان بن جائیں اور ہماری ایک تھورو کلینزنگ ہو جائے ہر اعتبار سے. پھر امام راغب کہتے ہیں کہ تقویٰ سے مراد نفس کی حفاظت ایک ایسی چیز سے کرنا ہے جو گناہ میں ڈالتی ہو، یعنی ہر وہ دروازہ جس سے انسان گناہ کی طرف جاتا ہے اس کو بند کر دینا. جیسے شروع میں عرض کیا میں نے کہ آپ اپنے، یعنی کہ ویب سرفنگ میں یا یوٹیوب پر اپنے اوپر خوب چیک رکھیں کہ کوئی اچھی چیز سنتے سنتے کسی اور چیز پہ اٹک نہ جائیں. پھر غافل کر دینے والی چیزوں سے بچنا ہے، یعنی وہ کام اور وہ چیزیں کہ جو ہماری عبادت میں، نماز میں، روزے میں خلل ڈالیں، ان سے بچنا ہے. تین چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ سارے جنت کے دروازے کھلے ہیں، اگر اس مہینے میں اگر اللہ مجھ کو اٹھا لیتا ہے، یا یہ ہے کہ میں اچھے کام کرتی ہوں تو جنت ویلکم کرنے والی ہوگی، اور جہنم کے دروازے بند ہیں تو مجھے بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ وہ دروازہ کھلے. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اس امید پہ روزے رکھنا کہ اللہ مجھے آگ سے آزاد کرے. پھر دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، دعائیں خوب کرنی ہے. پھر خصوصاً افطار کے وقت جہنم سے آزادی کا موقع ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. تو افطار سے پہلے ضرور دعا کیجیے کہ یا اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دینا، کیونکہ اصل کامیابی اسی کی ہے. وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا. ذکر اور تلاوت قرآن ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ.